दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ WhatsApp की 3 जबरदस्त वाली ट्रिक, और ये ट्रिक जो है ना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें से जो एक ट्रिक जो है ना वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और एकदम लेटेस्ट है, और बाकी की जो दो ट्रिक है वो हो सकता है आप जानते हो और आई थिंक मुझे लगता है ये ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, इसको यूज़ भी नहीं करते हैं, इसको यूज़ किया करिए बहुत ही अच्छी। तो चलिए बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EFA। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताया करिए, अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट उसका रीज़न मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया, क्योंकि मैं आगे चल के उस चीज़ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करूं। दोस्तों WhatsApp की हमारी पहली ट्रिक है, जब आप अपने फ़ोन का स्टेटस बार नीचे करते हैं वहाँ पर आपके आइकन शो होते हैं, वाईफाई, डाटा, टॉर्च वगैरह के और फ्लाइट मोड के जो आइकन होते हैं वहाँ पर भी आप अपने WhatsApp को लगा सकते हैं, यहाँ तक कि WhatsApp के अलावा भी और भी सारे एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें आइकन क्यों मिलते हैं, इसलिए मिलते हैं कि हम शॉर्टकट में इन सभी सेटिंग को यूज़ कर सकें, हमें अपने फ़ोन की सेटिंग के ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़े, तो हम यहाँ पर अपने WhatsApp को भी लगा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ऐप टाइल्स, इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद जैसे ही इसको ओपन करेंगे बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस है, यहाँ से आप ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3, ऐप 4 ये सारे होंगे, तो आप ऐप 1 को सिलेक्ट कर लीजिए और WhatsApp को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, उसी तरह से आप जितने भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे वो सारे हो जाएंगे, तो आप यहाँ से सारे ऊपर कर सकते हैं और WhatsApp को भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने फ़ोन का स्टेटस बार नीचे करेंगे वहाँ पर आपका WhatsApp का भी आइकन आ जाएगा, यहाँ से आप WhatsApp को यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। और हमारी अगली ट्रिक है, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं वहाँ पर आप बहुत सारे फ़ोटो शूट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने WhatsApp ग्रुप या फिर अपने WhatsApp फ्रेंड्स को शेयर करें वही फ़ोटो और लोकेशन के साथ करें, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वहाँ से आप अपना या फिर किसी चीज़ का भी फ़ोटो कैप्चर कर लीजिए जिसका भी आप फ़ोटो कैप्चर करना चाहते हैं, उसके बाद ऊपर जो आपको आइकन दिखेगा इमोजीज का वहाँ पर आप क्लिक करिए, वहाँ पर आपको एक वॉच का इमोजी मिल जाएगा जो कि लाइव एग्जैक्ट टाइम होगा आपका, उसको आप क्लिक करके यहाँ पर सेट कर दीजिए और फिर से आप इमोजी पर क्लिक करिए, वहाँ पर आपको मिलेगा लोकेशन का एक आइकन, उस पर आप क्लिक करिए, हो सकता है वहाँ से आपको कुछ परमिशन देनी पड़े, आपकी जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी, आपको परमिशन देनी पड़ेगी आपके WhatsApp को लोकेशन की, तो आप परमिशन दे दीजिए उसके बाद वहाँ पर वो सेट कर दीजिए, और किसी को भी आप सेंड करना चाहते हैं तो उसको आप WhatsApp पर सेंड कर दीजिए। अब वो बंदे पर जब मैसेज पहुँचेगा वो आपका एग्जैक्ट टाइम देख सकेगा, जैसे ही वो उस लोकेशन पर क्लिक करेगा तो वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ भाई आप इस टाइम बिल्कुल लाइव यहाँ पर हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये काफ़ी मज़ेदार इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और हमारी नेक्स्ट जो ट्रिक है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है, जैसे कि आपने दोस्तों देखा होगा आपको कोई वीडियो शेयर करता है या फिर कोई फोटो शेयर करता है उसके साथ में बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, कुछ लिखा हुआ होता है, जब हम वहाँ से किसी को फॉरवर्ड करते हैं तो हमारे टेक्स्ट नहीं जाते हैं ओनली फोटोज ही जाते हैं, वैसे ये ट्रिक हो सकता है आप जानते हो लेकिन बहुत लोग इस ट्रिक को नहीं जानते हैं, ट्रिक नहीं है ये बस एक टिप्स है जो शायद आप इसको यूज़ नहीं करते हो, तो सिंपली आप चाहते हैं कि फोटोज़ के साथ आपके टेक्स्ट भी जाएं उस बंदे पे जहाँ पे आप जिसको भी शेयर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे उसको टैप एंड होल्ड करिए और राइट साइड में जाइए 3 डॉट में और वहाँ पर आपको मिलेगा एक शेयर का ऑप्शन, शेयर पर आप क्लिक करिए और आपके बहुत सारे एप्लीकेशन फ़ोन के आ जाएंगे आपके सामने, और फिर से आप वहाँ से WhatsApp को ओपन कर लीजिए और आप जिसको भी शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिए और वो फ़ोटो आपका उन्हीं टेक्स्ट के साथ जाएगा जैसे आपके पास आया था वैसे ही। तो ये थी आज की हमारी 3 ट्रिक्स या फिर टिप्स कह लीजिए जो शायद आपको पसंद आई होंगी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आई है और कौन सी आपको पता थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक।